नमस्कार मु अरुणिमा आपण समस्तंको ओडिया देसी रेसिपी रे बहुत बहुत स्वागत। आग को आसुचे नुआ वर्ष आउ क्रिसमस, घरे तो केक निहाती तयारी हबो, तो एई बलिया स्पेशल दिन रे चालन तो तयारी करिबा सूजी केक। बिना मैदा बिना दही रे बहुत ही कम समय रे घरे थिबा अल्प किछि इंग्रेडिएंट्स को नैकी एई सूजी केक को तयारी करिबा, जहां बहुत ही सॉफ्ट आउ स्पंजी हबो। तो एई वीडियो रे थिबा छोटो छोटो टिप्स सहित एहा को ट्राई करंतु, देखिबा समस्त बहुत ही टेस्टी लगे। भल लगे गोटे लाइक करूँ, आउ आपणकर फ्रेंड्स आउ रिलेटिव सहित सेयार करूँ। आउ जदि मो चैनल नुआ सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन ऑल बटन रे क्लिक करनी, ताद्वारा मोर आगक आसुवा सब भिडर नोटिफिकेसन आगक ताहले डेरी नक चलत आरंभ करवा आज क्रिसमस आउ नुआ वर्ष स्पेशल रेसीपी सुजी केक। तो सूजी केक पाई गोटे बड़ मिक्सिंग बाउल रे नहीं जीबा गोटे कप क्षीर, जहाँ पूरा नॉर्मल टेम्परेचर अच्छी, ता माने ना गरम ना थंडा क्षीर। तो आमे यहाँ बिना दही रे तैयारी करिबा, तो दही जगार आमे जेहेतु क्षीर को नहींचे, तो से गोटे बड़ चामच भिनेगार को पकई नवा आउ भल भाव फेंटी नवा। तो ये मुझे भिनेगार नहींचि, जदि आपण भिनेगार ना तो या जगार आप पारे गोटे चामच लेंबूर रस को। तो एबे यहाँ को सेट हेबा को पूरा 10 मिनिट पाई साइड रे रखिदबा। तो या भितर आमे केक रो बैटर आमे रेडी करिबा, तो नहीं जीवा गोटे ग्राइंडिंग जार आउ से पकई नबा 2 कप सूजी। एठी मु सरु दाना वाला सूजी नहीं ची, आपण एथिरे मोटा बा सरु दाना वाला जहाँ भी आपण सूजी नहीं पारिबे, काहेकि ना आमको सूजी को ग्राइंडिंग करके पूरा पाउडर फॉर्म रे करिबार अछि। एठी मु मेजरिंग कप रे मापे कि पूरा 2 कप सूजी नहीं ची, जहाँ ग्राम रे मापिले 400 ग्राम हबो। तो आपण घरे थिबा गिना बा ग्लास रे मेजर करके सब जिनस को नहीं पारिबे। तो ये देखु आमर सूजी को पूरा फाइन भाव में पाउडर करके रेडी करनेचे, जहाँ निहाती हवा दरकार। जदि न हबो ताहले तो केक आमर परे भांगी जिवो आउ टेस्ट भी भल लगि नथाए। एबे सेथिरे पकई नबा गोटे कप चीनी को, जहाँ को आपण कम बेसी आपण टेस्ट हिसाब से करें, किंतु 2 कप सूजी पाई गोटे कप चीनी पूरा परफेक्ट रहिबो। एबे सेथिरे 1/4 चम्मच लुण को पकई नबा आउ ए सब जिनस को पुणी थरे भल भाव ग्राइंड करनबा। तो ये देखु ग्राइंडिंग करे पूरा पाउडर फॉर्म रे। एबे चलंतु ही केक मिक्स रे आधा कप तेल को पकई नबा। गोटे परफेक्ट केक पाई सब जिनसर क्वांटिटी बहुत इंपोर्टेंट, तो सब जिनस को मेजर करके ए पकईबे। एबे से आगर प्रिपेयर होता क्षीर को एथिरे पकई नबा। तो चलंतु एबे याकु आउ थरे भल भाव ग्राइंडिंग करनबा। तो ये देखो आमर केक पाई बैटर को आमे पूरा रेडी करने आउ तार थिकनेस देखु एमती पूरा रनिंग कनसीस्टेन्सी रहा दरकार। तो ग्राइंडिंग करिबा टाइम रे जदि आउ टिके क्षीर दरकार, तो गोटे रु 2 चामच क्षीर दे कि यह ग्राइंडिंग करें। तो ये चलत गोटे मिक्सिंग बाउल को ट्रांसफर करनबा आउ बैटर को ढाई नवा। तो ही सूजी केक पाई सूजी आमर फुलिबा निहाती दरकार, माने मिनिमम आमको आधा घंटा रु घंटाटे पर्यंत एही बैटर को घोड़ेकी रखिबा को पड़िबो। तो चालंतु एहाकु घोड़े नबा आउ साइड रे गोटे घंटा पाई सूजी को भल भाव फुलिबा को छाड़ी दबा। से ही टाइम रे आमे कोन करिबा ना किछि टूटी फ्रुटी को नबा आउ डिफरेंट कलर्स रो नबा, देखिबे केक आमर बहुत ही अट्रैक्टिव लागिबो। आउ जदि नाही ताहले तो या जगार जे कोनोसी ड्राई फ्रूट्स को आपण पकई पारिबे, नहले तो किछि भी नथिले ए सब जिनस को पूरा स्किप भी करि पारिबे। एबे सेथिरे पकई नबा गोटे चमच मैदा, किंबा मैदा जगार नहीं पारिबे गोटे चमच अटा को, आउ भल भाव मिसेकि या उपरे गोटे भल भाव कोटिंग करनबा। तो एमिति करबा द्वारा केक भितर आमर टूटी फ्रुटी चारिआड़े पूरा खेलिक रहिबो। तो एबे चलंतु नेक्स्ट प्रोसेस को जीवा। तो नहीं जीवा गोटे केक टिन किंबा घरे थिबा जे कोनोसी सिल्वर किंबा स्टील रो बड़ गहिरिया जगा को। तो या भितर गोटे चामच तेल को पकई कि टिन रो चारिपटे भल भाव आमे तेल को लगे नबा। एबे एही सेम साइज रे काटे कि गोटे बटर पेपर को टिन भितर रखि नबा आउ या उपरे अल्प तेल को भल भाव लगे नबा। जदि आपन को पाखरे बटर पेपर नथिबो तो एही टिन रे तेल को भल भाव लगे कि अल्प मैदा किंबा अटा को डस्ट करने बे, देखिबे केक बढ़िया आराम से केक टिन रु बाहरिबो। तो आमर केक टिन एबे रेडी हो जाई छी। तो चालंतु एबे नेक्स्ट प्रोसेस को जीवा।
तो बेकिंग पाई आज आम बिना ओवन रे कड़ई रे तैयारी करिबा। कड़ई आमर मोटा आउ गहिरिया हवा दरकार जेमिती कि केक टी नामर आराम से सेथिरे रही पारथिबो। एबे सेथिरे किछि लूनो को एथिरे पकेइ नबा। एठी मु लूनो को बहुत थरा एमिती केक बेक पाई यूज करी सारी छी। तो एही लूनो को आपण बेक कर साला परे पकेइबेनी, जेते बेले भी केक को बेक करिवे एही लूनो को आपण यूज करि पारिबे। एबे एही कड़ई भितरे गोटे स्टैंड को रखि नबा। स्टैंड जदि नाही तो जे कोनोसी गोटे गिना को ओल्टेई के एथिरे रखि पारिबे। एबे फ्लेम को ऑन करि नबा आउ 5-10 मिनिट पई प्री हीट हवा को छाड़ी दबा। तो प्राय एठी गोटे घंटा परे एठी देखंतु हमरा सूजी रा बैटर पूरा फुली की पानी अंश को अब्जर्व करि नै छी आउ बैटर भी टिके बहलिया होई जाई छी। तो एबे सेथिरे गोटे चम्मच बेकिंग पाउडर आउ 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को एथिरे पकेइ नबा। आउ एहा एक्टिवेट हेबा को सेथिरे आधा कप खीर को धीरे धीरे करके ऐड करिबा। गोळीबा टाइम रे एबे सेथिरे गोटे चम्मच वैनिला एसेंस को पकेइ नबा आउ गोटे ड्रॉप ऑरेंज फूड कलर को पकेइ नबा, जहां बिल्कुल रहिछि ऑप्शनल। कलर पकेबा द्वारा मार्केट भलिया हल्का ऑरेंज येलोइश कलर आमर केक आसीबो, किंतु न पकेले भी एही केक रे कोनोसी टेस्ट रे फरक आसीबोनी। भलो भाबरे गोळी साला परे एथि देखंतु एहर थिकनेस पूरा एमिति रिबन कंसिस्टेंसी रे रहिबा दरकार। आउ एथिरे मोर एक्स्ट्रा आधा कप रु टिके कम करके खीर लागिछि, तो सेथि पई खीर को जेतिके दरकार सेही अनुसार धीरे धीरे करके एथिरे ऐड करिवे। एबे सेथिरे टूटी फ्रूटी को पकेइ नबा आउ भलो भाबरे मिसेइ नबा। तो केक पाई बैटर तो पूरा रेडी हो सारी। चलतु यही बैटर को आगरू प्रिपेयर करके रखि केक टिन रे ढाली दबा। चारिआड़े समान भाव में यही बैटर को ढाली नबा। तो या उपरे आउ किछि अल्प ड्राई फ्रूट्स को पकेकि केक को भल भाव सुंदर करके सजे नबा। कड़ई गरम हबार 10 मिनिट पर एवे कवर को खोली नबा आउ केयरफुली यही केक टिन को यही कड़ई भितर रखि नबा। एबे फ्लेम को लो मीडियम रे करके कड़ई को कवर करनबा आउ 35-40 मिनिट पई बेक हबा को छाड़ी दबा। जदि आपण ओवन रे करूतांती ताहले प्रीहीटेड ओवन रे 180 डिग्री सेल्सियस रे बेक मोड रे पूरा 35-40 मिनिट पई बेक हबा को छाड़ी देबे। तो एबे केक बेक हबार पाखापाखि 40 मिनिट होई सारछि। तो एठी देखंतु केक हमर पूरा रेडी होई सारछि। चालंतु एबे केक को चेक करनबा। एठी केक बेक हबार टाइमिंग 5-10 मिनिट एपट सेपट होई पारे, माने आपन को केक टिन रा साइज फ्लेम रा एडजस्टमेंट ए सब जिनस पई टाइमिंग एपट सेपट होई पारे। तो प्रथमे 30-35 मिनिट परे चेक करि नबे। जदि आपनकर छुरी रे एमती पूरा क्लियर आसु नथिबो ताहाले तो आउ 5-10 मिनिट पई बेक कर नेबे। तो केक तो हमरा पूरा परफेक्टली बेक होई सारी छि। एबे यहाँ को केयरफुली कड़ई रू बाहर करनबा आउ पूरा थंडा हवा को छाड़ी दबा। केक आमर पूरा थंडा हो गले एबे केक रा साइड रू हल्का छड़े नबा छुरी रे आउ गोटे प्लेट आनी की केक टिन को उल्टा करी की हल्का टैप करी की केक को बाहर करनबा। तो देखी पारथिबे आराम से केक आमर टिन रू बाहरी आसुची। तो एथिरे एबे लागिथिबा बटर पेपर को बाहर करनबा। तो एठी देखंतु वाओ आमर सूजी रा केक पूरा जबरदस्त होईची। चालंतु एहाकु मु काटिके देखौची। देखंतु केत्ते बढ़िया भावरे आमर कटुची। काटिबारु जानी पारथिबे केत्ते सॉफ्ट होईची। पाखरु देखौची देखंतु बढ़िया भावरे जालीदार टेक्सचर आसीची आउ परफेक्टली बेक मध्ये होईची। केक आमर सॉफ्ट बहुत बढ़िया भावरे होईची। तो आपण मध्ये एही प्रोसेस रे एमितिया सॉफ्ट इजी आउ टेस्टी केक को जे कोनोसी स्पेशल ओकेजन रे तैयारी करंतु आउ सबु जिनसर ठीक मेजरमेंट सहित केक को तैयारी करंतु। देखिबे केही भी जानी परिबेनी एहा सूजी रो केक बोली। तो निहाति थरे ट्राई करंतु आउ केमिति हला मते निहाति कमेंट रे जणांतु। भल लागिथिले गोटे लाइक करी कि एबे मते विदाय दियंतु। ताहाले दर्शक बंधु आज पई एतिकी रहुचि। नमस्कार, देखा हबा पुनी आउ गोटे रेसिपी रे। थैंक यू। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।